नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 2.3, जिसका नाम क्या है बच्चों, अब्दुल बिकम्स अ कोटियर। तो यहाँ पे एक जैसे ड्रामा होता है ना, कोई नाटक, ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है जिसमें कैरेक्टर्स रहते हैं। पहले तो एक अब्दुल रहता है, फिर उसके पिताजी रहते हैं, और फिर बीच में मर्चेंट आता है, एम्परर आते हैं, ठीक है। इसमें और भी कई कैरेक्टर्स हैं जो आप आगे चल के देखोगे, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। बहुत ही अच्छी, एक तरह से आप बोल सकते हो ये स्टोरी है तो ये ड्रामा, यानी कि एक नाटक, जैसे स्टेज पे कोई नाटक होता है आप देखते हो ना, तो वैसे करके ये नाटक है। लेकिन आप लोगों को इससे मतलब एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मतलब एक शिक्षा मिलेगी कि आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए जैसे अब्दुल ने किया था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। देखो पिताजी है, यानी कि अब्दुल के पापा है, जो कि एक क्या है, स्कूल के मास्टर, यानी स्कूल में वो पढ़ाते हैं, तो वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी अब्दुल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे अब्दुल लिखा है ना, तो अब्दुल क्या कहता है कि फादर टू नॉलेज एंड एरुडिशन आई एस्पायर टू स्टडी हार्ड एंड डीप बुक्स आई रिक्वायर, विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड। देखो बच्चों यहाँ पे जो अब्दुल है वो अपने पिताजी से क्या कहता है कि फादर, यानी कि पिताजी, टू नॉलेज एंड एरुडिशन आई एस्पायर, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और भी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी है, टू स्टडी हार्ड एंड डीप, यानी कि मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। अगर हमारे मन में पढ़ने की इच्छा है तो वो हम कब पूरा कर पाएंगे, जब हमारे पास बुक्स हो, ठीक है। तो अब्दुल ने वही बोला कि मैं बहुत ही पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत है, विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड। फिर यहाँ पे अब्दुल ने क्या बोला अपने फादर से कि क्या आप मुझे थोड़ा सा सोना देंगे, ठीक है। लेंड यानी क्या होता है, मतलब प्रदान करना, देना, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि क्या आप मुझे सोना देंगे, बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड, यानी कि किस लिए मुझे वो सोना चाहिए, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है जिससे मैं क्या कर सकूँ, उसको पढ़ सकूँ और दुनिया में अपना नाम कमा सकूँ, ठीक है। इस तरीके से अब्दुल ने अपने पिताजी से बोला। तो अब उसके फादर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे, ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड बट अलास द मनी डजंट लास्ट, ग्रेट बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव, दे आर ट्रेजर्स रेयर एंड एक्सक्लूसिव, बट फ्रॉम माई स्कूल आई ट्राई टू बोरो बुक्स दैट विल टेक यू टू अ ब्राइटर टुमोरो। देखो बच्चों यहाँ पे जो उसके फादर है वो क्या कहते हैं, वो अब्दुल से कहते हैं कि ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ हैज़ पास्ड, यानी कि अभी तो बस आधा महीना ही बीता है, बट अलास, लेकिन बड़े ही दुख की बात है, द मनी डजेंट लास्ट, यानी कि जो पैसे है वो अभी क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मतलब पैसे बचते ही नहीं हैं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, अभी तो आधे महीने हुए हैं, मतलब पूरा महीना भी नहीं बीता है और पैसे क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि पैसा टिकता ही नहीं है। ग्रेट बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव, फिर इसके फादर ने क्या बोला, जो ग्रेट बुक्स यानी कि जो महान महान पुस्तकें हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी क्या होता है, हैंड रिटन जो बुक्स होती है वो, ठीक है। तो जो ग्रेट बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ये सभी बहुत ही महंगे होते हैं, दे आर ट्रेजर्स रेयर एंड एक्सक्लूसिव, यानी कि वो क्या है, एक तरह के खजाने हैं जो कैसे हैं, दुर्लभ हैं, मतलब वो किसी को भी ऐसे आसानी से नहीं मिलते। दुर्लभ यानी क्या होता है, जो चीज़ हमको आसानी से नहीं मिल सकती, तो अभी इनके पास पैसे नहीं है, तो वो जो महंगे महंगे बुक्स है वो इनके लिए दुर्लभ ही है ना, यानी कि वो इनको इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसके पिताजी ने यही बोला, और फिर क्या कहते हैं, बट फ्रॉम माई स्कूल, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने स्कूल से तुम्हारे लिए बुक्स लेकर के आऊँ, जो तुम्हें तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर यानी कि तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा बनाएगा, ऐसा उसके फादर कहते हैं। अब अब्दुल कहता है, दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स। देखो क्या होता है, जब उसके पिताजी ने क्या बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ कि अपने स्कूल से तुम्हारे लिए कुछ बुक्स लाऊं जिसे पढ़ करके तुम बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँच पाओ, तो अब्दुल ने क्या बोला कि दैट विल बी ग्रेट, यानी कि ये बहुत ही अच्छा होगा,
और मैं हाउ ईगरली आई वेट, यानी कि मैं उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। या फिर अब्दुल, जैसे हमारे लिए समझिए आपके पापा कुछ सामान लाने वाले हैं, ठीक है, आपने कुछ बोला उनको लाने के लिए, अब वो लाने वाले हैं, तो आप कितना इंतज़ार करते हो, मतलब कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हो ना कि अरे वो हमारी चीज़ आने वाली है। आपको ऐसा लगता है एक एक मिनट कैसे, आपको ना एक एक दिन के जैसा लगता होगा, मतलब आप इंतज़ार नहीं कर पाते। वैसे तो आप इंतज़ार कर लोगे, मतलब आपको पता है कि 5 बजे पापा आने वाले, ठीक है, तो 5 बजे आएंगे, और जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि आपके लिए कुछ सामान लाने वाले हैं, तब आप कितना एक्साइटेड होते हो। थोड़ा भी लेट हुआ तो बार बार फ़ोन लगा करके पूछोगे, है ना। तो ऐसे ही जो अब्दुल था, उसको बुक से बहुत प्रेम था, जिसके कारण वो अपने पापा का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है वो अपने फादर के आने का, ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स, अभी देखो इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग मतलब शाम को जब पिताजी घर पे आते हैं, ठीक है, जब वो वापस आते हैं, तो अब्दुल क्या कहता है, हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट, ओह ओह नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट। देखो यहाँ पे जो अब्दुल है उसने अपने फादर को क्या बोला कि हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट, यानी कि आप कितनी बुक्स ले आए हैं, मतलब आपको कितनी बुक्स मिल सकी, मतलब आपने कितने बुक्स मेरे लिए लाए हैं। ओह नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट, फिर ये क्या कहता है कि अरे अब मेरी लाइफ क्या होने वाली है, सेट होने वाली है, ऐसा अब्दुल ने बोला। उसके फादर क्या कहते हैं, आई एम सो सॉरी सन, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन। फिर यहाँ पे इसके पिताजी ने क्या बोला कि बेटा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई भी बुक नहीं ला पाया हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, कोरस में यहाँ पे सॉन्ग बजता है, जैसे कोरस मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई नाटक वगैरह होता है तो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, तो यहाँ पे भी ना बैकग्राउंड म्यूज़िक ही बजता है। क्या बोला जाता है इसमें, देखिए, पुअर अब्दुल, यानी कि बेचारा अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड, वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उदास हो जाता है। डिजेक्टेड यानी क्या होता है, उदास होना, ठीक है। पॉन्डर्स यानी कि उसके मन में विचार आता है, वाई माई विशेज आर दस रिजेक्टेड, ये मतलब इसके मन में ये सोच रहा है कि जो मेरे विशेज हैं, मेरी जो इच्छा है, वो बार बार रिजेक्ट क्यों हो जाती है, क्यों नहीं मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कंटिन्यू टू डू हिज डेली कोरस, यानी कि वो ये सोचते जा रहा है अपने दिमाग में कि मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, क्यों नहीं पूरी हो पाती हैं, और वो अपने डेली का काम करते जा रहा है। रीड्स बोरोड बुक्स इन टेंस एंड स्कोर्स एन आइडिया देन क्रॉस हिज माइंड, यानी कि रीड्स बोरोड बुक्स, एंड बोरोड बुक्स यानी क्या, उधार लेकर के बुक्स, वो क्या करता है 10-20 बार मतलब पढ़ता है, एन आइडिया देन क्रॉसेज हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, टू सर्व द रिच एंड गेट पेड इन काइंड, यानी कि मैं क्या करूँ, क्यों ना मैं किसी अमीर आदमी के यहाँ पे काम करूँ, ठीक है, जो थोड़ा अमीर हो, मतलब जो मुझे काम पे रख सके, मैं उसके लिए काम करूं और फिर उसके बदले में मैं उससे कुछ मांगू, ठीक है। पेड इन काइंड, काइंड यानी मतलब कुछ तो थिंग्स मैं उससे क्या करूं, मांगू। अभी थिंग्स यानी क्या, अभी अब्दुल को क्या चाहिए, उसको बुक्स ही चाहिए ना, तो वो उसके मन में क्या इच्छा होगी मांगने की, बुक्स मांगने की इच्छा होगी, तो वो यही सोचता है कि क्यों ना मैं किसी रिच आदमी के यहाँ पे काम करूँ, उसका नौकर बन जाऊँ और उसके बदले में मैं उससे कुछ चीज़ मांगू, ठीक है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं बच्चों। अब्दुल अप्रोचेस अ रिच मर्चेंट, फिर जो अब्दुल है वो एक अमीर व्यापारी जो मर्चेंट रहता है उसके यहाँ पे, मतलब उसके पास जाता है। अब्दुल क्या कहता है उसके पास जाकर के कि आई एम अ पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व, ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली वॉट आई डिजर्व। देखो इसने क्या बोला कि आई एम अ पुअर स्टूडेंट, यानी कि मैं बहुत ही गरीब छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, गिव मी अ चांस टू सर्व, यानी कि आप मुझे एक चांस दो अपने लिए काम करने का, ऑब्जर्व माई वर्क यानी कि आप मेरे वर्क को ऑब्जर्व करना, पे ओनली वॉट आई डिजर्व, और आप वही पे करना जिसके जिसका मैं हकदार हूँ, यानी कि मैं जिसके काबिल हूँ, आप मुझे उतना ही पे करना, ठीक है। आप मेरे वर्क को पहले देखना, फिर मैं जितना डिजर्व करता हूँ आप मुझे उतना ही पे करना, ऐसा अब्दुल ने बोला। तो अब देखो यहाँ से ना एक नया कैरेक्टर आया है, अभी तक तो किसकी बात चल रही थी, अब्दुल और उसके फादर की, यहाँ पे अभी तक बस दो ही कैरेक्टर्स थे, अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आया है मर्चेंट, ठीक है। तो अभी ये मर्चेंट क्या कहता है अब्दुल से कि यू अपीयर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क, आई विल पे यू वेल इफ हॉनेस्टली यू वर्क। क्या बोला इसने कि यू अपीयर टू बी स्मार्ट, यानी कि तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो, बी माई क्लर्क, तुम मेरे क्लर्क बन जाओ। क्लर्क यानी क्या होता है, जैसे जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लर्क कहते हैं, ठीक है।
तो इसने क्या बोला, मर्चेंट ने क्या बोला कि तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो, तुम मेरे क्लर्क बन जाओ, आई विल पे यू वेल, मतलब मैं तुम्हें अच्छा पे करूँगा इफ ऑनेस्टली यू वर्क, अगर तुम अच्छे से काम करोगे देन मैं तुमको मतलब उचित पे करूंगा, जितना तुम डिजर्व करोगे उतना तुमको पे करूंगा। सम डेज पास द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बीतते हैं, तब जाके अब्दुल को जो मर्चेंट है वो बुलाता है। तो मर्चेंट अभी क्या बोलता है, देखो मर्चेंट अब्दुल को बोल रहा है, आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर, आई विल गिव यू अ रिवार्ड इफ योर डिमांड इज फेयर। देखो अभी इसने क्या बोला कि आई एम प्लीज विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यानी कि तुम्हारे काम से मैं बहुत ही क्या हूँ, खुश हूँ। ठीक है, तुमने ईमानदारी और इतने प्रेम के साथ जो अपना काम किया है मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर। फिर इसने क्या बोला कि तुम क्या हो, तुम सचमुच में एक रत्न हो। जेम यानी क्या होता है, रत्न मतलब हीरा मोती, महंगी महंगी चीजें। ठीक है, क्वाइट रेयर यानी कि जो मतलब हजारों में एक हो, लाखों में एक हो, तुम वैसे क्या हो, रत्न हो। आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड यानी कि मैं तुमको इनाम दूंगा इफ योर डिमांड इज फेयर, अगर तुम उचित डिमांड करोगे। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी मांग लोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, ऐसा नहीं, अगर तुम्हारा डिमांड फेयर होगा तब मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा। ठीक है, ऐसा मर्चेंट ने बोला। तो अब्दुल क्या कहता है, एकदम एक्साइटेड होकर के एकदम खुशी से बोलता है, मे आई नो, मे आई नाउ रीड रीड द बुक्स इन योर स्टोर, क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, आई नीड नथिंग मोर। देखो अभी इसने क्या बोला ना, अब्दुल क्या कहता है एक्साइटेड होकर के कि मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मेरी जो नॉलेज यानी ज्ञान पाने की जो प्यास है, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, बुझाना चाहता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, जो आपके बुक आपके स्टोर में जो भी बुक्स हैं मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं उनको पढ़ सकता हूँ। और उसने बोला कि जो मेरे नॉलेज की प्यास है मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, बुझाना चाहता हूँ, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा उसने मतलब मर्चेंट से बोला। तो अब देखो यहाँ पे कोरस में फिर से सॉन्ग बजता है, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक आती है। क्या बोला जा रहा है कि डेज पास बाय, ही लर्न एंड लर्न, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही यर्न, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक एंड पर्सियन, अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज वन इन अ मिलियन, विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस। देखो बच्चों अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब कोरस में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है कि डेज पास बाय, मतलब दिन जो है वो बीतते गए। ठीक है, ही लर्न एंड लर्न यानी कि जो अब्दुल था वो सीखते गया, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही यर्न यानी कि उसके मन में जो इच्छा थी, जिस नॉलेज को वो इकट्ठा करना चाहता था उसको उसने क्या किया, गेन किया यानी कि उसको इकट्ठा किया। क्या क्या सीखा उसने, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक एंड पर्शियन। ओके, और अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज वन इन अ मिलियन, और अब्दुल कैसा बन चुका था, एकदम स्कॉलर। ठीक है, वो लाखों में एक बन चुका था, वन इन अ मिलियन यानी कि लाखों में एक। विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक में ही कि क्या वो एम्परर के नोटिस में आएगा, यानी कि जो राजा जी हैं क्या वो इसको नोटिस कर पाएंगे। विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस, क्या उसको कोई सम्माननीय ऑफिस यानी कि कोई पद उसको दिया जाएगा। जैसे ऑफिस मतलब क्या, अच्छा ऑफिस में कौन बैठता है, जैसे कोई मैनेजर होते हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, या फिर और भी कई सारे पोजीशंस होते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल कि क्या उसको कोई ऑफिस मिल पाएगा, सम्माननीय ऑफिस जिसका वो हकदार है। ठीक है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो अब एक और नया यहाँ पे कैरेक्टर आता है, अभी तक तो अब्दुल था, उसके पिताजी थे, फिर एक मर्चेंट था, अब यहाँ पे अब्दुल का मतलब एक फ्रेंड है जो आता है, एक नया कैरेक्टर यहाँ पे और नाटक में। तो क्या कहता है, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल यानी कि तुम्हारे लिए न्यूज़ है, समाचार है, द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज नाउ अंडर योर केयर। देखो बच्चों इसने आकर के क्या सूचना दी कि जो एम्परर है ना उन्होंने तुम्हारे प्रेयर यानी कि जो तुमने प्रार्थना की थी उसका आंसर दिया है, उन्होंने तुमको किस लिए रखा है, उनके मुर्गी खाने की देखभाल करने के लिए रखा है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स अभी ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एम्परर ने इसके प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब क्या, तो सुनो
जब ये अब्दुल ने बहुत पढ़ाई कर ली होगी, बहुत पढ़ाई कर ली होगी, तो उसने राजा को, एम्परर को एक नोटिस भेजा होगा, मतलब पत्र लिख करके भेजा होगा कि मैं आपके यहाँ पे, मतलब मुझे कोई पोजीशन दी जाए, इस तरह से उसने कोई प्रेयर प्रार्थना की होगी एम्परर से, तब जाके एम्परर इसके मतलब इसने जो प्रेयर किया था उसका आंसर देंगे ना। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड ने आकर के वही बताया उसके, अब्दुल के फ्रेंड ने, कि तुमको राजा ने यानी कि एम्परर ने अपने मुर्गी खाने की देखभाल के लिए रखा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। अब्दुल क्या कहता है, जब फ्रेंड ने उसके आकर के ये सूचना दी, तो अब ये कहता है कि वॉट, मतलब क्या, द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर, क्या बोला इसने कि मुर्गी खाना मेरे लिए, इतने बड़े स्कॉलर के लिए, इंटेलेक्चुअल सगेसियस इंस्टीट्यूट मेड अ पोल्ट्री कीपर, नेवर माइंड द चांस आई वॉन्ट रिफ्यूज, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आई पुट इट टू गुड यूज़। देखो अभी इसने क्या बोला है कि इंटेलेक्चुअल सगेसियस एस्टीट्यूट, देखो बच्चों तीनों का मतलब ना सेम ही होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार, चतुर, चालाक, ठीक है, इस तरीके से। तो इतने होशियार लड़के को ये पोल्ट्री के पर यानी कि मुर्गी का, मुर्गी खाने की देखभाल करने के लिए रखना चाहते हैं, इस तरह से उसके मन में सवाल आया। और फिर क्या कहता है कि नेवर माइंड यानी कि जाने दो, द चांस आई वॉन्ट रिफ्यूज, मतलब मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो मुझे चांस मिला है, मैं इसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरे लिए क्या है, एक मौका है, आई पुट इट गुड टू यूज, इसका मैं क्या करूंगा, बहुत ही अच्छे से यूज करूंगा। यानी कि राजा ने उसको, एम्परर ने उसको मुर्गी मुर्गी खाने की देखभाल के लिए रखा। अभी कोई पढ़े लिखे इंसान को कोई ऐसा काम दे तो वो नहीं करना चाहेगा, है ना। लेकिन फिर भी ये जो अब्दुल था उसने सोचा कि मुझे जो भी चांस मिला है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे से करूँगा, ये सोच करके वो मतलब करने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, फिर कोरस में, मतलब फिर से म्यूजिक में, बैकग्राउंड म्यूजिक में बजता है, क्या बजता है, अब्दुल वर्क विथ कन्विक्शंस। अभी बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है कन्विक्शंस, यानी क्या होता है, विश्वास, दृढ़ विश्वास। ठीक है, तो अब्दुल ने एकदम दृढ़ विश्वास के साथ काम किया, जील एंड पैशन, जील एंड पैशन यानी कि एकदम अपने तत्परता से, एकदम जोश के साथ। ठीक है, द हेंस वर गिवन अ न्यू काइंड ऑफ राशन, और जो हेंस हैं उनको न्यू काइंड ऑफ यानी नए तरह का राशन दिया जाने लगा। द बॉय सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ बट नथिंग वॉज स्पेंट फ्रॉम द एम्परर्स वेल। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बर्ड्स थी यानी कि जो मुर्गियाँ थी वो कैसे हो चुकी थी, एकदम हेल्दी, पिंक पिंक, ठीक है, बहुत ही जैसे हेल्दी होते हैं ना, कई तो लकड़ी जैसा होते हैं, और वो थोड़ी हेल्दी हो चुकी थी, बट नथिंग वॉज स्पेंट फ्रॉम द एम्परर्स वेल्थ। लेकिन इसके लिए, ठीक है, मुर्गियों की इतनी अच्छे से देखभाल हुई, लेकिन फिर भी जो एम्परर का खजाना है उससे कुछ भी पैसा नहीं आया था, ठीक है, वहाँ से कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था, ऐसा यहाँ पे कोरस में सॉन्ग बजता है। तब अभी एम्परर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे, हाउ इज दैट, वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स, हैव मोस्ट ऑफ देम डेड इन द पेंस। देखो अभी यहाँ पे जो एम्परर है वो क्या कहते हैं कि हाउ इज दैट, ये कैसे होता है, वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स, यानी कि हाउ इज दैट, हम लोग अपनी मुर्गियों के ऊपर क्यों इतना कम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो क्या क्या कहते हैं, हाउ इज दैट, और फिर नीचे उन्होंने क्या बोला कि वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल एज आवर हैंड्स, यानी कि हम अपनी मुर्गियों पर इतना कम खर्चा क्यों कर रहे हैं, हैव मोस्ट ऑफ देम डेड इन द पेंस, यानी कि उसमें से ज़्यादा मुर्गियाँ मर गई हैं क्या, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर मिनिस्टर क्या कहते हैं, अभी देखो एक और कैरेक्टर आया, मिनिस्टर ने बोला, नो योर मैजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल, द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल। क्या बोला इसने कि नो योर मैजेस्टी, नहीं नहीं जहाँपना, दे आर अलाइव एंड वेल, यानी कि ये सभी क्या हैं, बहुत ही अच्छी हैं और सबके सब जिंदा है, मतलब कोई भी मरी नहीं है। द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ, उनकी उनके हेल्थ का राज आपको कौन बताएगा, खाली अब्दुल ही बता सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है, अब्दुल एंटर्स एंड बोस बिफोर द एम्परर, यानी कि जो अब्दुल है वो अभी दरबार में आता है और अपने सिर को, मतलब जैसे अभी राजा के सामने कोई आता है तो ऐसे सिर झुकाता है ना, तो इस तरीके से वो अपने सिर को झुकाता है। ठीक है, तो अभी एम्परर क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे एम्परर अब्दुल को बोल रहे हैं कि हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स, हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस। क्या पूछा है इन्होंने कि तुम हमारी मुर्गियों के ऊपर इतना कम खर्चा क्यों करते हो, हाउ डू यू नरिश देम, और तुम
को नरिश, नरिश यानी कैसे, मतलब तुम उनका पालन पोषण कैसे कर सकते हो, कैसे करते हो एट नो एक्सपेंस, मतलब तुम कुछ भी खर्चा भी नहीं करते हो और उनका पालन पोषण एकदम अच्छे से तुम कैसे करते हो, उनको नरिश कैसे करते हो। तो अब्दुल कहता है, देखो जहाँ पना यानी कि महाराज, योर हम्बल सर्वेंट फिट्स देम वेल, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि योर हम्बल सर्वेंट, हम्बल यानी क्या होता है बच्चों, विनम्रता पूर्वक आप बोल सकते हो, ठीक है, फूड फ्रॉम द रॉयल किचन, इफ आई मे टेल, बट ओनली स्क्रैप्स एंड सेल्स एंड किचन वेस्ट, दैट्स इनफ फॉर द हेंस, दे रिलीज द टेस्ट, इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, सी हाउ दे थ्राइव, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, दैट्स माई ड्राइव। देखो बच्चों, अभी ये जो अब्दुल है वो क्या कहता है कि जहाँपनाह योर हम्बल सर्वेंट फिट्स देम वेल, यानी कि जहाँपनाह ये जो आपका नौकर है, ठीक है, ये जो आपका नौकर है वो क्या करता है, वो उनको बहुत ही अच्छे से खिलाता पिलाता है बर्ड्स को, फूड्स फ्रॉम द रॉयल किचन, और वो कहीं और से नहीं लाता, वो कहाँ से लाता है, रॉयल किचन से, यानी कि जो महाराज आपका जो रसोई है वहाँ से ही वो लेकर के मतलब खाना आता है, ठीक है। तो वो क्या खिलाता है उनको, वो बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ क्या क्या उनको खिलाता हूँ। तो वो उनको जैसे किचन का जो वेस्ट होता है ना, अभी आप लोगों के भी घर पे किचन में से वेस्ट निकलता है ना, जैसे अभी सब्जी छील रहे हैं, सब्जी छीलते हैं तो उसका छिलका होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है ना किचन से, तो वो सारी चीज़ें ये क्या करता था अब्दुल, इन मुर्गियों को देता था, और ये सारी चीज़ें मुर्गियों के लिए मतलब मुर्गियों के हेल्थ के लिए तो अच्छी होती ही थी, और ये मुर्गियों को उनको टेस्ट भी अच्छा लगता था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, रिलीज द टेस्ट, यानी कि उनको टेस्ट भी कैसा लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आया, उनको स्वाद लेकर के वो लोग खाते भी हैं और उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, ठीक है, ऐसा अब्दुल बोल रहा है। तो अब्दुल क्या कहता है कि मेरा एम क्या है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ भी बर्बाद ना हो और कुछ भी फेंका ना जाए, ठीक है, इस तरीके से वो अब्दुल कहता है, समझ में आया। तो अभी एम्परर क्या कहते हैं, देखो, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स, वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। देखो अभी इसने जो एम्परर थे उन्होंने क्या बोला कि इंटरेस्टिंग यंग मैन यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू सीम टू हैव ब्रेन्स यानी कि तुम्हारे पास बहुत क्या है, दिमाग है, वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ऑल योर पेन्स। तो यहाँ पे जो राजा है उन्होंने, एम्परर ने क्या बोला कि मैं तुमको क्या बनाता हूँ, लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाता हूँ यानी कि मेन बनाता हूँ, तुम क्या करोगे, मतलब उसके काम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो खुश होकर के उसका प्रमोशन कर देते हैं। देखो अब्दुल को बनना था कोर्टियर, लेकिन अब उसको उन्होंने क्या बनाया, लाइब्रेरियन बनाया, क्या बनाया, लाइब्रेरियन, लेकिन फिर भी देखना अब्दुल काम करेगा और एट लास्ट वो कोर्टियर बन ही जाता है, ठीक है। तो अभी कोरस में सॉन्ग बजता है, महाराज ने तो बोल दिया कि मैं तुमको अपना लाइब्रेरियन बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी कोरस में देखो क्या सॉन्ग बज रहा है, ओ नो नॉट अगेन ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स, अरे नहीं फिर से, मतलब फिर से नहीं, ठीक है, नॉट अगेन यानी कि फिर से नहीं, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स, मतलब वो फिर से कोर्टियर नहीं बन पाया, बस वो बुक की देखभाल करने वाला बना, एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर, हाउ शेड ही लुक्स, यानी कि वो क्या चाहता था, उसके मन में क्या इच्छा थी कोर्टियर बनने की, लेकिन वो ऐसा मतलब वो कोर्टियर नहीं बन पाता है, ठीक है। अभी अब्दुल क्या कहता है, नेवर माइंड, आई लव बुक्स, आई गेट डाउन टू वर्क, आई हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज आई वॉन्ट शिक। देखो अभी ये जो अब्दुल है वो क्या कहता है कि नेवर माइंड यानी कि जाने दो इसको, आई लव बुक्स, मैं बहुत ही बुक्स को प्रेम करता हूँ, आई गेट डाउन टू वर्क यानी कि मैं क्या करूँगा, इस काम को करूँगा, आई हैंडल दिस वेल, मैं इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करूँगा, माई ड्यूटीज आई वॉन्ट शेक, सिर्क यानी क्या होता है बच्चों, भागना, मतलब मैं अपने कर्तव्य, मैं अपनी ड्यूटीज से भागूंगा नहीं, ऐसा अब्दुल ने बोला, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आफ्टर वन ईयर द एम्परर इज लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो अभी एक साल जब वो लाइब्रेरियन बनता है, उसके एक साल के बाद महाराज क्या कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी की बुक्स थी उनको देख रहे थे, ठीक है। अभी एम्परर क्या कहते हैं कि वॉट ऑल दिस बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स, श्योरली दे हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, सिल्क ब्रॉकेट्स एंड वेलवेट्स। देखो अभी एम्परर ने क्या बोला, क्या मतलब वॉट, एकदम वो एकदम सरप्राइज है वो बुक्स को देखने के बाद, क्या कहते हैं कि ऑल दिस बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स, यानी कि इन सारी बुक्स में इतना महंगा जैकेट, श्योरली दे हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि सचमुच में मैं तो एकदम श्योर हूँ बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा इन सभी का, क्योंकि वो जैकेट किसके बने हुए थे, तो सिल्क ब्रॉकेट्स
और वेलवेट्स यानी कि जरी जो होती है ना, जरी जैसे अभी औरतों के कपड़े जिसमें पूरी डिज़ाइन की होती है, जड़ी वगैरह लगाया होता है, हीरा मोती, ठीक है, तो वैसे करके ब्रोकेट्स यानी जड़ी वाली सिल्क तो आप लोगों को पता है, वेलवेट्स भी आप लोग जानते हो, ठीक है, ये सभी महंगे महंगे कपड़े होते हैं, तो उनके ही जैकेट बनाए गए थे, ठीक है। तो ऐसा महाराज कहते हैं कि बहुत खर्चा लगा होगा, तो अब्दुल क्या कहता है, नो योर मेजेस्टी, यानी कि नहीं महाराज, द एक्सपेंसेस वर नन, कुछ भी एक्सपेंस नहीं हुआ है, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। तो एम्परर कहते हैं आई कॉन्ट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन, क्या बोला इन्होंने, महाराज ने क्या बोला कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, ये सब कैसे हुआ, है ना, इतने महंगे महंगे तुमने इनको जैकेट भी पहनाए हैं इन पुस्तकों को, और कुछ खर्चा भी नहीं आया, तो मैं इस पर कैसे विश्वास करूँ। तो अब्दुल कहता है योर मेजेस्टी आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट वर सेंड टू यू इन बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक्स बेस्ट, वेन द पेपर्स वर रेड द बैग्स वर डिस्कार्डेड, वाई वेज द सिल्क वेलवेट ब्रॉकेट आई डिमांडेड द रॉयल टेलर्स मेड द जैकेट्स नथिंग डिड दे टेक, इच बुक वॉज ड्रेस अप फॉर योर मेजेस्टीज सेक। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे जो अब्दुल है वो बताता है कि आपके जो फॉर्मल रिक्वेस्ट आते हैं या फिर कोई लेटर आता है, ठीक है, तो वो महंगे महंगे इस तरह के कपड़े में आता है, ठीक है, बैग्स में करके, इतने महंगे महंगे बैग्स में करके आपके लिए कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई लेटर आता है तो आता है, तो जब आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इनका यूज़ किया जाए, और ये मैंने क्या किया, इन सारे जो भी कपड़े थे इनको रॉयल टेलर्स को दिया और उसने इन बुक्स के लिए जैकेट्स बनाए हैं, ठीक है, और फिर इसने बोला कि ये सारे जो बुक्स हैं इनको इस तरह से ड्रेसअप किया गया है, इनको इस तरह से इतने अच्छे से रखा गया है, वो सब आपके लिए है महाराज, ठीक है, जहाँ पर इस तरह से वो अब्दुल कहता है। तो एम्परर क्या कहते हैं, यू हैव ग्रेट मेरिट, आई वुड रियलाइज मच अर्लियर, आई हैड हैड हो सकता है आई हैड, ठीक हैड, आई हैड रियलाइज मच अर्लियर, आई एम हैप्पी टू अनाउंस नाउ यू आर माई कोर्टियर। देखो अभी यहाँ पे जो महाराज है वो क्या कहते हैं कि यू हैव ग्रेट मेरिट, यानी कि तुम बहुत ही क्या हो, महान हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, तुम बहुत होशियार हो। आई हैड रियलाइज मच अर्लियर, देखो अभी यहाँ पे राजा क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये पहले, बहुत पहले ही समझ लिया था कि तुम बहुत ही दिमाग वाले, बहुत ही स्किल वाले पर्सन हो। आई एम हैप्पी टू अनाउंस, मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, यू आर माई कोर्टियर, नाउ यू आर माई कोर्टियर, यानी कि अब तुम मेरे क्या हो, कोर्टियर हो, मतलब स्टार्टिंग से जो अब्दुल बनना चाहता था तो लास्ट में आते आते वो कोर्टियर बन ही जाता है, ठीक है। अभी देखो कोरस में सॉन्ग बजता है, क्या बजता है, वीट्स ब्रेन्स एंड परसिवरेंस हेल्प अब्दुल अचीव हिज एम, पेशेंस डिटर्मिनेशन वॉन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। देखो यहाँ पे कोरस में क्या बोला जा रहा है कि वीट्स ब्रेन्स एंड परसिवरेंस, यानी कि जो उसका पेशेंस था, ठीक है, जो अब्दुल, जैसे देखो अब्दुल सबसे पहले तो उसके पास पुस्तकें नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसने शांति रखी, जैसे हमको कोई चीज़ चाहिए होती है तो ऐसा लगता है तुरंत मिल जाए, लेकिन अब्दुल ने क्या किया, थोड़ा इंतज़ार किया, ठीक है, सही समय आने का उसने इंतज़ार किया, पहले तो अच्छे से पढ़ाई की उसने, और वो पढ़ाई भी वो कैसे करता था, उसने एक मर्चेंट के यहाँ पे काम किया, उस काम के बदले उसको वो सारा नॉलेज गेन करने के लिए मिला, ठीक है, तो उसने कितनी मेहनत की। फिर जब राजा ने उसके, मतलब राजा को उसने प्रार्थना की, तो उन्होंने सबसे पहले उसको पोल्ट्री कीपर बनाया, फिर जाके लाइब्रेरियन, और फिर बाद में उसको कोर्टियर बनाया, यानी कि उसने कितना पेशेंस रखा है ना, और जो उसका डिटर्मिनेशन, मतलब उसके पेशेंस की वजह से वो अपने एम को, यानी वो जो वो उसका जो लक्ष्य था उसको उसने क्या किया, हासिल किया, ठीक है, पेशेंस डिटर्मिनेशन वॉन हिम ग्रेट नेम एंड फेम, और इस तरह से उसने बहुत ही नाम कमाया, ठीक है। तो ये था बच्चों स्टोरी अब्दुल का, जो कि एक नाटक जैसा था, ठीक है, आई होप कि आपको इससे शिक्षा मिली होगी, आप लोगों को भी ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना वो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका भी वीडियो मिलेगा, इसके क्वेश्चन आंसर का भी, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। इंग्लिश वर्कशॉप के भी आंसर दिए मैंने, और ये जो लेसन में ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना नीचे, इनके भी आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है।